नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। मैं हूं चंद्रशेखर त्रिशूल। नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जल्द ही अध्यादेश जारी होगा। इस मंजूरी के लिए अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट ने रेप के मामलों में तेज जांच और सुनवाई की समय सीमा भी तय कर दी है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या पास्को एक्ट में संशोधन होने के बाद बच्चियों को इंसाफ मिल पाएगा। प्राइम टाइम में आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। जम्मू के कठुआ और उन्नाव में हुए 8 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप जैसे दरिंदगी के बाद देश भर में हुए विरोध के बाद अब मोदी सरकार एक्शन में दिख रही है। जहां कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने पॉस्को एक्ट में संशोधन करने को लेकर मोहर लगा दी है, जिसमें अब गैंगरेप और दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी तक की सजा मिल सकती है। एक रिपोर्ट देखते हैं। बारह साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब सरकार इसके अध्यादेश लाने की तैयारी में है। कैबिनेट की बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल बीते कई दिनों से जम्मू के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद सरकार ने नाबालिग बच्चियों से रेप करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने का फैसला लिया है। इससे पहले महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी कहा था कि वे कठुआ और हाल में हुई दूसरी बलात्कार की घटनाओं से बेहद दुखी हैं और उनका मंत्रालय बहुत जल्द ही पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करेगा। हम लोग भी चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट को बदल करके जो बच्चे जो 12 साल के बच्चे के नीचे के ऊपर अगर कोई इस तरीके से बलात्कार हो तो वी शुड आस्क फॉर द डेथ पेनल्टी। आपको बता दें कि रेप पर मौत का कानून देश के 3 राज्यों में पहले से ही है, जिसमें पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां दिसंबर 2017 में मध्य प्रदेश में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप पर फांसी का कानून बनाया गया। इसके बाद राजस्थान में मार्च 2018 में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप पर फांसी का कानून बनाया गया। फिर मार्च में ही हरियाणा में ऐसा ही कानून बनाया गया। वहीं उन्नाव गैंगरेप मामले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप पर मौत की वकालत कर चुके हैं। सीएम ने इस सिलसिले में केंद्र को चिट्ठी भी लिखी है। आज के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अपराधियों से भी, चाहे वह कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। अब ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि पॉक्सो एक्ट में क्या क्या बदलाव हुए हैं। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप पर सजा, आरोपी को 20 साल की सजा, आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान। रेप के मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील की समय सीमा 6 महीने होगी। महिलाओं के साथ बलात्कार की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल किया। 12 साल से अधिक और 16 साल की लड़कियों से रेप के मामले में सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल तक आजीवन कारावास। 12 साल से अधिक और 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैंगरेप पर सजा, दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, मौत होने तक जेल में रखा जाएगा। वहीं पहले पॉक्सो एक्ट में क्या नियम थे? सरकार ने साल 2012 में बनाया था पॉक्सो एक्ट। नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामले होते हैं दर्ज। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत बच्चे के शरीर के साथ कोई भी हरकत पर सजा, अधिनियम धारा 4 के तहत बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म होने पर 7 साल की सजा, उम्र कैद और अर्थदंड लगाया जाता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत
दुष्कर्म के बाद गंभीर चोट पर सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद जुर्माना लगाया जाता है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत सजा 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना। अब देखना होगा कि क्या देश में पॉक्सो एक्ट में संशोधन का अध्यादेश लाने के बाद बच्चियों के साथ इंसाफ मिल पाता है या नहीं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय मौजूद है प्राइम टाइम डिबेट में हमारे सीनियर रिपोर्टर राकेश शर्मा। राकेश, जिस तरह पॉक्सो एक्ट आज केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिली है, अध्यादेश भी इस पर आने वाला है, लोगों में गुस्सा था। कठुआ और उन्नाव की घटनाओं ने कहीं लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में इस फैसले का इंतजार था कि इस तरह का फैसला आए तो देश में उन दरिंदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। ये एक बड़ा फैसला है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पर। देखिए जनसंख्या, सबसे बड़ी बात तो ये पॉक्सो जो है, हालांकि पॉक्सो का निर्माण ही बाल अपराध, बच्चों में यौन शोषण और बाल अपराध को रोकने के लिए 2012 में किया गया था, लेकिन जिस तरीके से इस एक्ट के बन जाने के बावजूद भी घटनाओं में कमी आने की बजाय लगातार घटनाओं में बढ़ोतरी होती चली गई। और हाल ही की बात की जाए तो कठुआ और उन्नाव में जिस तरीके का माहौल है, छोटी बच्चियों को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया, कहीं भी देश में गुस्से का माहौल भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो धन्यवाद देने लायक व्यक्ति है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर है अलक आलोक श्रीवास्तव है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका है और उसमें उस जनहित याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चों के साथ में जो यौन अपराध है, खासतौर पर वो उनकी संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं उन पर रोक के लिए एक सशक्त कानून की आवश्यकता है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। कानून तो 2012 में बना दिया गया था लेकिन उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। उसके बाद में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया था और उस पर जवाब मांगा था। शुक्रवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की ओर से बाकायदा कोर्ट में एक नोट पेश किया गया था और कहा गया था कि सरकार इसमें मृत्युदंड के प्रावधान पर विचार कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर सरकार भी काफी गंभीर नजर आई। कैबिनेट की बैठक में बाकायदा इस पर सहमति बनी और कहीं ना कहीं सरकार अब जो है अध्यादेश लाने की तैयारी में है, संशोधन इस पूरे में होगा और जैसे ही सदन शुरू होगा उस अध्यादेश को कानून का रूप दे दिया जाएगा, उस कानून में संशोधन हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस प्रकार का संशोधन आवश्यक भी था क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा चंद्रशेखर, अगर राजस्थान की बात की जाए खास तौर पर तो 2016 में अकेले राजस्थान में 4034 के आसपास केस यौन अपराध बच्चों के साथ दर्ज किए गए थे, जो कि 2015 में 3689 के आसपास थे और अगर यानी कि 9.5% की बढ़ोतरी थी। पूरे देश की अगर आप बात करें 2012 में 94,000 के आसपास थे, अगर पूरे देश की बात की जाए वही 2014 में पूरे देश में 89,000 के आसपास थे, यानी कि साल दर साल ये आंकड़ा परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता रहा है, बच्चों के साथ यौन अपराध बढ़ते चले गए और लेकिन उन पर लगाम के लिए जो 2012 में एक्ट लाया गया था कहीं ना कहीं वो निष्प्रभावी तौर पर साबित हुआ। जाहिर सी बात है संशोधन की आवश्यकता थी और उसी के चलते केंद्र सरकार ने ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में नोट पेश किया है और कहीं ना कहीं अब अध्यादेश लाने की तैयारी है। राकेश, इससे ऐसे मामलों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई, कई जगह से इस तरह का प्रेशर आया कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए, तो इस तरह उस दिशा में ये बड़ा कदम है एक। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर, और जाहिर सी बात भी है बच्चों के साथ अपराधों को लेकर के मैंने जो भी आंकड़े का जिक्र आपके सामने किया भी है, जिस तरीके से घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और ये केवल महज कठुआ या उन्नाव की बात नहीं है, साल दर साल जिस तरीके से बच्चों के साथ यौन अपराध या किसी भी प्रकार की हिंसात्मक जो गतिविधियां हैं उनको लेकर के जो बढ़ोतरी हो रही है उनको रोकने के लिए 2012 में एक्ट को बना दिया गया, लेकिन सजा का प्रावधान कम होने के कारण जो भी शातिर अपराधी हैं, जो भी अपराधों को अंजाम देते हैं, उनमें वो खौफ नहीं मना। कहीं ना कहीं मृत्युदंड का प्रावधान होने के बाद में उन लोगों में जो इस प्रकार के अपराध करने के आदि हो चुके हैं और कहीं ना कहीं संदेह का लाभ उठा करके बाकायदा कोर्ट से भी बरी हो जाते हैं, उनमें खौफ जाएगा, इस प्रकार का अपराध करने से पहले 20 बार सोचेंगे, क्योंकि मृत्युदंड का प्रावधान लाने पर सरकार पूरी तरह से अध्यादेश लाने का मन बना चुकी है। राकेश, जिस तरह कैबिनेट में मंजूरी मिली है, इस प्रस्ताव को जल्द अध्यादेश के रूप में बदलना होगा, तभी ये चीजें कारगर होगी और तभी सरकार का संदेश उन अपराधियों, उन दरिंदों के खिलाफ जाएगा कि जो इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें बाकायदा डिस्क्राइब किया गया है, 12 साल की बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो फांसी का प्रावधान है, 16 साल छोटी के साथ अगर गैंगरेप आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो
उम्र कैद का प्रावधान दिया गया है। सबसे बड़ी बात चंद्रशेखर इसमें यह है कि उस केस की जांच, जो भी दुष्कर्म केस होगा उसकी जांच, जो भी जांच एजेंसी है उसको 2 माह में पूरी करनी होगी। अग्रिम जमानत का बिल्कुल प्रावधान नहीं है। साथ में अगर महिलाओं से रेप, इसी के साथ में एक संशोधन और होने की संभावना इसमें यह है कि महिलाओं से रेप की सजा जो पहले 7 साल थी अधिकतम सजा, उसे बढ़ा करके 10 साल करने पर विचार किया जा रहा है। तमाम तरह के जो कानून है उनमें संशोधन की आवश्यकता भी, जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा था चंद्रशेखर, उनमें आवश्यकता थी। और कहीं ना कहीं बच्चों से लेकर के दुष्कर्म को लेकर के जिस तरीके से देश में अब माहौल बनने लगा है, कहीं ना कहीं निर्भया कांड होता है उसके बाद में सरकार जागती है, लगातार संशोधनों की मांग होती है। यौन अपराध बच्चों के साथ हो या महिलाओं के साथ में हो, कहीं ना कहीं निंदनीय होता है। और इस प्रकार के जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उन पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के कठोर कानून की आवश्यकता है। जी राकेश, एक बात और देखने में आई, जब पिछली बार एनडीए की सरकार थी, सुषमा स्वराज जो कि तब मंत्री थी, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, तब ये पॉन साइट्स पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब वो पॉन साइट्स बदस्तूर जारी हैं और लोग इंटरनेट के माध्यम से इस तरह की पॉन साइट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये भी कहीं एक समाज में विकृति का बड़ा कारण है। देखिए चंद्रशेखर, ये एक किसी भी प्रकार के यौन अपराध को लेकर के एक ये सीमित मुद्दा नहीं है। सांस्कृतिक रूप से अगर इस पर सरकार विचार करे, कहीं ना कहीं देश की मर्यादा या सांस्कृतिकता के हिसाब से या नई जनरेशन को अवेयर करने के लिए अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर बहुत बड़ा मुद्दा है। पोर्न साइट पर बैन ही संपूर्ण कार्य विधि नहीं हो सकती है चंद्रशेखर। जिस तरीके से बीच में बात यह भी हुआ है स्कूलों में सेक्स एजुकेशन अनिवार्य किया जाएगा ताकि बच्चे जान सके, यानी कि बहकाव में आकर भी अगर कोई माइनर किस्म का अपराधी है और उससे भी ये कांड हो जाता है तो उस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि वो इस प्रकार की हरकत ना करे। कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से भी जो सामाजिक माहौल बनना चाहिए, परिवार में जो बच्चे हमारे साथ रहते हैं उनको भी इस प्रकार की जानकारी होना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की हरकत करने से पहले 20 बार वो लोग सोचे। सामाजिक माहौल तैयार होगा चंद्रशेखर, उसके बाद ही इन चीजों पर लगाम लगाई जा सकेगी। लेकिन इस एक्ट में खासकर पॉक्सो में जिस तरह का अमेंडमेंट करने की सरकार कोशिश कर रही है, अध्यादेश लाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि उन अपराधियों में एक अच्छा संदेश जाएगा, कठोर रूप से संदेश जाएगा ताकि वो इस प्रकार के दुष्कर्म या इस प्रकार की घटनाएं करने से पहले 20 बार सोचे। राकेश, पिछले मार्च 2018 में राजस्थान सरकार ने भी ये संशोधन जारी किया था और संशोधन लेके आए थे, तो कहीं इसका भी एक प्रभाव है कि इस राज्य सरकार भी इसके प्रति बड़ी गहन रूप से चिंतित है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर, मैंने आपको कहा भी है 2015 में राजस्थान का जो आंकड़ा था वो 2016 में 9.35% यानी कि 10% के आसपास से बच्चों के साथ यौन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने सोचा भी उस मुद्दे को लेकर के और कहीं ना कहीं विधानसभा में ये मुद्दा उठा और उसके बाद में एक बिल पारित किया गया। हालांकि राष्ट्रपति के पास भी वो लंबी थे, लेकिन राजस्थान शायद पहला राज्य ऐसा है, जहां तक मेरी जानकारी में है राजस्थान ही पहला ऐसा राज्य है जिसने ये एक्ट केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने के पहले ही यहां की विधानसभा से पारित कर दिया था और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए वो बिल जो है गया हुआ है। जी राकेश, हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में इस समय है डॉक्टर सूरत सिंह जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। डॉक्टर सूरत सिंह जी, आपका स्वागत है। चंद्रशेखर जी, सूरत सिंह जी, हम आपसे इसका तकनीकी पक्ष जानना चाहेंगे। संशोधन हुआ है, इससे उन दरिंदों को किस तरह से जल्द सजा का प्रावधान हो सकता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूपेण कैपिटल पनिशमेंट को सुन के कोई भी डिटरमेंट तो उसको होगा, लेकिन अभी भी जो कम से कम सजा 7 साल और मैक्सिमम सजा पूरा लाइफ है, अगर पूरे लाइफ की भी सोच के कोई काम अगर व्यक्ति नहीं करता बंद करना, तो क्या मृत्यु के दंड से करेगा? क्योंकि रिसर्च ने ये 2-3 चीजें सामने रखी हैं। नंबर एक, अपराधी अपराध करते वक्त कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता, ये सारे एक इमोशन में इंपल्स में हो जाते हैं, इसलिए चाहे वो सजा उम्र कैद हो या सारे लाइफ की हो या कैपिटल पनिशमेंट हो, वो एक्चुअल क्राइम में कितनी मदद करेगा रोकने में वो देखने की बात है। दूसरी बात, कन्विक्शन रेट इंडिया में 30% है, 70% तो कन्विक्ट होते ही नहीं। तीसरी बात कि क्या इसका किसी तरह से पॉलिटिकल एडवांटेज पार्टीज ले सकती हैं कि प्रतिद्वंद्वी को, क्योंकि कितने ही केसेस में जी सेक्स के मामले कई बार पॉलिटिकल रूप से या किसी को फंसाने के लिए भी होते हैं जी। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले वहां इनोसेंट लोग इसमें ना फंसे।
जी तो ये कई चीजें जो हमें ध्यान रखने की बात है जी। ये बहुत दुखद बात है कि 8 साल की बच्ची के साथ ये हो रहा है जी। दूसरा हो रहा है ये तो बड़ी सिक मेंटेलिटी है जी। और हमें देखना पड़ेगा कि हमारा समाज किस तरह की मेंटेलिटी में जा रहा है जहाँ इस तरह की बातें हो रही है, जहाँ बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए जी। लेकिन क्या कैपिटल पनिशमेंट उसका एक उपाय है, इस पर मुझे संदेह है। सिंह साहब, आपका बड़ा लंबा समय इस तरह से गुजरा है कि आप केसों को देखते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की सामाजिक विकृति के पीछे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा तो ये है कि जैसे ब्लू मूवी या पॉर्न जो इंटरनेट वगैरह पे सब अवेलेबल है जी, और उसमें अगर आप देखें तो बहुत से नाबालिग बच्चों के साथ बहुत कुछ करते हुए दिखाया जाता है जी। ह्यूमन नेचर होती है, जो वो देखता है वो करता है जी। तो इस तरह पे एक तो कैपिटल पनिशमेंट उनके लिए हो जो नाबालिग बच्चों के साथ सेक्स प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, सबसे पहले तो उसको रोका जाए जी। दूसरे, सेक्स के प्रति हमारे समाज में एक बड़ी मेंटली कहिए कि एक सिक भावना जो हो गई है जी। एक तरफ तो हम इसको हमेशा कहते हैं गलत चीज है, दूसरी तरफ हमेशा उसी ग्लैमर आस्पेक्ट पे, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो टीवी हो जी, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, वो वुमन की बॉडी से चलाया जाता है जी। तो एक साफ क्लियर डिबेट जब तक ना हो इस चीज के ऊपर, जैसा कि हमने अमेरिका और इंग्लैंड में देखा, 6 साल हम अमेरिका में रहे, 2 साल इंग्लैंड में पढ़े, वहां ये इशू था ही नहीं जो इंडिया में इशू है, वहां इशू दूसरे हैं। तो इंडिया कब तक ये पुराने इश्यूज में पड़ता रहेगा, और कब तक हमारे जो बाबा, चाहे वो आशाराम हो, चाहे हनीप्रीत वाले हो, ये सब हो क्या रहा है? मतलब हमें सोचना पड़ेगा देश की मनस्थिति में जी, हम फीड क्या कर रहे हैं जी, जो फीड कर रहे हैं वही रिफ्लेक्ट होता है। डॉक्टर साहब, ये पॉर्न साइट्स पर भी जिस तरह की रोक लगने का एक विषय है कि पॉर्न साइट्स पर अगर रोक लगे, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एक गाइडलाइन जारी करे, तो ये भी रेगुलेटरी इस पे जारी होनी चाहिए, ये भी एक संशोधन अनिवार्य है, ये भी आना चाहिए सरकार केंद्र कैबिनेट में कहीं ना कहीं, इसकी आवश्यकता आप समझते हैं? निश्चित रूपेण आना चाहिए। ये किस तरह से प्रभावशाली होगा कि इस तरह दरिंदे जो इस तरह के कृत्यों में शामिल होते हैं उनको रोका जा सके, और इस तरह जब देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है पूरे दुनिया में, उसको भी रोका जा सके, ये कैसे संभव होगा सिंह साहब? छवि से ज्यादा जरूरी यह है कि रियलिटी में क्या हो रहा है जी, क्योंकि रियलिटी जो होती है सूनर और लेटर लोगों को पता चल जाती है जी। तो छवि तो सेकंड बात है, पहली बात है कि रियलिटी क्या है, रियलिटी में किस तरह की मेंटेलिटी होगी कि कोई 23 साल की लड़की अपने फिल्म देख के आ रही है, और जिस तरह से दिल्ली में हुआ, और उसके बाद फिर 8 साल की बच्ची के साथ, 8 महीने की बच्ची के साथ इंदौर में अभी किसने बताया जी। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अगर बच्ची की डेथ हो जाती है तो कैपिटल पनिशमेंट तो वहां है ही है जी। यहां सिर्फ इसका मतलब अगर संशोधन किया जाए तो सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि जहां मात्र रेप हुआ है वहां कैपिटल पनिशमेंट है कि नहीं है जी। तो उसमें क्योंकि लाइफ भर की सजा पहले से ही है, तो इसमें जो इसके गंगा की गंगोत्री पे अटैक नहीं करेंगे कि बच्चों के लिए किस तरह का माहौल दे रहे हैं जी, जो लोग करने वाले हैं वो किस तरह के माहौल में हैं जी, किस तरह हम एक तरह से सेक्स के लिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ग्लैमर ग्लैमर दिखा रहे हैं जी। तो जब तक उन चीजों को एड्रेस नहीं किया जाएगा, सेक्स के बारे में एक जैसे पहले जब वैदिक कार्यकाल में भारत में सेक्स कभी भी एक छुपा हुआ चीज नहीं थी जी, बड़े स्वस्थ तरीके से धर्म अर्थ काम मोक्ष में समाहित किया गया था जी। ये अब ये छुपा छुपी, एक तरफ तो दुनिया भर की पाबंदियां जी, दूसरी तरफ भाषण, तीसरी तरफ ये ब्लू मूवी जी, इन सब पे एक राष्ट्रीय चिंतन की आवश्यकता है कि ये सब हो क्या रहा है। बेशक बेशक। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए जिस तरह की सामाजिक जागरूकता आवश्यक है ग्रास रूट लेवल पर, उस तरह की सामाजिक जागरूकता हो नहीं पा रही है, और ये सिर्फ कैंडल मार्च तक सीमित होकर रह गया है? देखिए चंद्रशेखर, सिंह साहब की बात में सुन रहा था भी, बिल्कुल जो बातें उन्होंने कही अक्सर से एक वाकई में राष्ट्रीय चिंतन का ये विषय है, और कहीं ना कहीं इसको डिबेट होना चाहिए और उस डिबेट पर काम भी होना चाहिए। जिस तरीके से घटना के बाद में हम कैंडल लेकर के सड़कों पर निकलते हैं, वो संवेदना हमारी प्रकट तो होती है, लेकिन आंतरिक रूप से क्या हम वाकई में इतने सत्यवादी हैं या इतना चिंतन इस देश के बारे में कर पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। सामाजिक रूप से चंद्रशेखर तमाम कानून बनते हैं, तमाम चीजें बनती है, तमाम रेगुलेशन एक्ट आते हैं, तमाम चीजें होती है, लेकिन इन सब के बीच में ये है
कि पोर्न साइट पर बैन करने से भी ये चीजें हल नहीं होगी। आप सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, विद्यालय में सेक्स एजुकेशन दिया जाएगा, परिवार में आप उस तरह का माहौल नहीं रखते हैं, यानी कि जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उनको भी इन चीजों के प्रति जागरूक करना होगा। नया समाज आज का जो बच्चा है कल जाकर के नए समाज का निर्माण करेगा, जाहिर सी बात है वो जागरूकता अभी से नई पीढ़ी को देनी पड़ेगी, तब जाकर के चीजें लूप में आ पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से संकुचित मानसिकता लेकर के हम लोग सेक्स के विषय पर बात करते हैं वो कहीं ना कहीं अपराध को जन्म देगी। जाहिर सी बात है कि राइटर्स ने लिखा भी है जिस चीज को ज्यादा छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं ये मानवीय चीजें होती है, मानवीय मन होता है कि उस चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। कानून के बारे में जो भी संशोधन किया जा रहा है, एक बात में ये कहा जा सकता है कि जो भी इस प्रकार के आरोपी होते हैं या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, कठोर संदेश सरकार की ओर से देने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा विषय है चंद्रशेखर, इस पर बहुत बड़े स्तर पर चर्चा होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक सामाजिक रूप से जागरूकता नहीं होगी, लोग खुद इस बात को लेकर के गंभीर नहीं होंगे, तब तक इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकेगी। और जाहिर सी बात है एक बड़ा जन जागरण अभियान सरकार के स्तर पर भी, स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर भी, और खास तौर पर जहां परिवार में 5 लोग बैठते हैं वहां पर भी इस प्रकार की जागरूकता लाना आवश्यक है। प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रंजना शाही जी हैं। रंजना शाही जी आपका स्वागत है। रंजना शाही जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राकेश, एक बड़ा सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है, वो सामाजिक स्तर पर होना भी आवश्यक है। जितनी जिम्मेदारी सरकारों की बनती है उतनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लोगों की भी बनती है। डॉक्टर सूरज सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, ये सरकार का ही नहीं लोगों का भी विषय है, लोगों को भी इसमें जागरूक होना होगा निश्चित रूपेण। और खास तौर से जिस तरह की हमारी शिक्षा पद्धति है कि प्रारंभ से हम क्या सिखाते हैं, देखिए बाहर जो है ना अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह में सेक्स एक बड़ा नॉर्मल सब्जेक्ट समझा जाता है जी। और उस तरह का हेल्दी एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया जाता है। इंडिया में जो हिपोक्रेसी है, जो डबल स्टैंडर्ड है, वो ये है कि एक तरफ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आप कहूंगा तो कंट्रोवर्सियल लगेगा, नहीं, नहीं, जैसे मास्टरबेशन है, हस्मैथुन है। अब एक तरफ तो ये साइंटिस्ट कहते हैं कि शरीर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ इसको बड़ा गलत समझा जाता है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है जी। जब हमारा पालन पोषण हुआ उस समय हम किताबें पढ़ते थे ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर्य इतना इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा मेंटेलिटी जो है दूषित विकृति उन्हीं लोगों की होती है, ये ब्रह्मचर्य और जो इधर उधर की जो बातें करते हैं जी। तो क्यों ना जीवन में एक सामान्य, जब हम अमेरिका में गए तो हमारे प्रोफेसर वगैरह ने कहा कि इसको एक सामान्य जीवन की सरल तरीके से क्यों नहीं लिया जाता जी। या तो हम इसको आइडलाइज करते हैं या हम इसको स्कैंडलाइज करते हैं जी, अंडरस्टैंड नहीं करते जी। तो एक अंडरस्टैंडिंग की एक जागृति की आवश्यकता है जी, कि जिससे कि ये हमारे जीवन में एक हेल्दी तरीके से सेक्स समाहित हो जी। जैसे हमारे पुराने जीवन के लक्ष्य थे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबसे पहले मनुष्य अपना कर्तव्य करे, शक्ति अर्जित करे और फिर काम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसे करेंगे तो फिर मोक्ष प्राप्त होगी, यानी मुक्ति होगी, फ्रीडम होगी। हमने उस समन्वय को तोड़ दिया है और जो है कुछ पाश्चात्य के आदर्शों में आके, कोई इधर के आके, जबकि असलियत यह है अमेरिका में उतना सेक्स नहीं है जितना इंडिया में जी। यहाँ बल्कि उसकी चर्चा ज्यादा है, दिमाग ज्यादा ऑब्सेस है यहाँ लोगों का, और इसीलिए ये विकृतियां सामने आती हैं जी। बहरहाल केंद्रीय कैबिनेट में पॉक्सो एक्ट को मंजूरी मिल गई है और इसके बाद इसके लिए अध्यादेश भी लाया जाएगा, और अध्यादेश लाने के बाद उन दरिंदों पर फांसी की सजा का प्रावधान है। सरकार गहन रूप से चिंतित है, निश्चित रूप से ये मैसेज कहीं ना कहीं लोगों को एक समाज में नई चेतना पैदा करेगा। बहरहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही, सभी मेहमानों का धन्यवाद।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।